मध्य प्रदेश में आज भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लें, मौसम से आपको अपडेट करा देते हैं। एमपी में आज भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हो चुका है। 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी है। शिवपुरी, मुरैना, भिंड, गुना में ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। वहीं बालाघाट, पन्ना, शहडोल, टीकमगढ़ में येलो अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश के कारण यातायात पर भी असर पड़ रहा है। तो बड़ी जानकारी, 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मौसम से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी, ये तस्वीरें देखिए, जहां तमाम तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हो चुका है। 8 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद लाइव जुड़ गए हैं। शब्बीर, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? और उसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सरकार ने साफ तौर पर तमाम जितने भी कलेक्टर हैं और बाकी विभाग हैं, उनको निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा होता है तो आपको किस तरीके से निपटना है, उसको लेकर तैयार रहे। मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, 8 जिलों की बात करें जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो उसमें शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना, शिवपुरी, होशंगाबाद, ये वो जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर यानी अत्यधिक और मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा येलो अलर्ट की बात करें तो राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, विदिशा, छतरपुर, बालाघाट, पन्ना, शहडोल, टीकमगढ़, येलो अलर्ट जारी किया गया है इन तमाम जिलों में। यानी मध्य प्रदेश के ये तमाम जितने भी जिले हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाके हैं। ऐसा नहीं है कि एक ग्वालियर का इलाका है, एक मालवा का इलाका है, एक महाकौशल का इलाका, तमाम पूरे मध्य प्रदेश के ये जिले हैं एक एक करके। और इसी के कारण जो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूरे पूरे मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया। भारी बारिश के कारण अब यातायात पर भी असर पड़ रहा है। हमने देखा था कि विजिबिलिटी कम होने के कारण जो गाड़ियां हैं वो काफी दिक्कत आ रही है। और इसके साथ साथ लेकिन अगर बात शब्बीर उन लोगों की जाए जो जिन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जहां पर लोग रह रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? उनको कहां पर शिफ्ट किया जा रहा है जहां पर लोग रह रहे हैं इस समय? देखिए, भोपाल की बात करें तो भोपाल में इस बार वैसी स्थिति नहीं बनी है और बारिश लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन रुक रुक कर बारिश हो रही है तो उसके कारण जो जलभराव की स्थिति देखने को मिलती थी तो वैसी नहीं दिख रही। लेकिन हम भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों की बात करें या विदिशा, राजगढ़, होशंगाबाद या तमाम जगहों की बात करें तो वहां पर ऐसी स्थिति बन रही है, बाढ़ की स्थिति बन रही है। कई गांवों के संपर्क टूट गए हैं और उनको सेंटर बनाए गए हैं अलग अलग प्रशासन की तरफ से। वहां पर राहत कैंप में भेजा जा रहा है और तमाम तरह का ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन भी कई जगह प्रशासन की तरफ से चलाया गया है, कई लोगों को बचाया भी गया है और कई लोगों की इसके अंदर जान भी जा चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हमने चाहे राजगढ़ की तस्वीर देखे या होशंगाबाद की तस्वीर देखे, विदिशा की देखे या रायसेन की देखे, भोपाल से सटे हुए इलाके हैं या फिर और भी प्रदेश के कई हिस्सों की देखे, तो वहां पर जैसे ही हादसा होता है उसके बाद आपदा प्रबंधन टीम वहां पर पहुंचती है और जो भी रेस्क्यू कर उस व्यक्ति को बचाया जाता है जो बाढ़ में फंस जाता है। तो ये कह सकते हैं कि राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं हम रेलवे यातायात की बात करें तो रेलवे में भी बारिश का काफी असर देखने को मिल रहा है। खासकर महाराष्ट्र से आने वाली कई ट्रेनें जो है वो जो है रद्द भी कर दी गई है। इसके अलावा हम फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट को भी, कई जो फ्लाइट थी कल भी डाइवर्ट की गई थी, क्योंकि विजिबिलिटी जो है मध्य प्रदेश एयरपोर्ट पर अगर टेक ऑफ करना है कोई भी फ्लाइट को तो 500 विजिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन 100-200 विजिबिलिटी के कारण और मौसम खराब होने के कारण गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है। कई जो है
फ्लाइट को भी कल भी रद्द किया गया था और ट्रेनों को भी रद्द किया गया, यानी अब बारिश का असर धीरे धीरे जनजीवन के साथ साथ यातायात पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल, यातायात पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है शब्बीर, लेकिन ये भी जानकारी दीजिए कि किस तरीके से जो जिन इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है उन इलाकों में उन लोगों तक किस तरीके से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। दूसरी बात कि किसानों के लिए किस तरीके से यहाँ पर निपटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो देखा जा रहा था कि किसानों के लिए थोड़ी राहत वाली खबर है कि एक तरफ तो धान की बुवाई की जाती है, वहीं दूसरी तरफ अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनकी फसलें खराब हो रही हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो किसानों के लिए कैसे देखा जाए इस बारिश को? देखिए, शुरुआती दौर में जुलाई की बात करें तो बारिश नहीं हो रही थी, उसके कारण काफी दिक्कत आ रही थी किसानों को और काफी मायूसी छाई हुई थी उनके चेहरों पर कि बारिश नहीं हो रही, बोयनी कर दी गई है, फसलें जो है खेतों में खड़ी हुई नजर आ रही थी, वो बारिश की काफी जरूरत थी। लेकिन इतनी बारिश की जरूरत नहीं थी जिस तरीके से मूसलाधार बारिश एमपी में देखने को मिल रही है, और उसके कारण किसान कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले तक के जो खुशी का चेहरा था उसको वो अब पूरी तरह से ये थोड़े निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि गांव के गांव डूब गए हैं, खेत के खेत डूब गए हैं, और उसी के कारण आप किसान परेशान हैं। और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले और भी कई घंटों में अलर्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है और उसी के कारण पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून ये कह सकते हैं एक्टिव रहेगा, बारिश का दौर जारी रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया। और जिस तरीके से आपका सवाल था कि उन लोगों को कहां किस तरीके से सहायता पहुंचाया जा रहा है जो इसमें प्रभावित हो रहे हैं बाढ़ से, तो प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, राहत कैंप बनाए गए हैं तमाम जिलों में कि जो भी बाढ़ में प्रभावित होता है या डूब क्षेत्र होता है या फिर निचले इलाकों में कोई भी पानी घुसता है तो उन लोगों को राहत कैंप में लाया जाए, और खाने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन और सरकार की तरफ से की जा रही है। जी चलिए शब्बीर, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। श्योपुर में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नाव पलट गई, इस दौरान रेस्क्यू टीम के सदस्य 4 घंटे तक नदी में फंसे रहे। हालांकि पेड़ पर लटक कर कर्मचारियों ने जान बचाई, फिलहाल सभी जवानों को सकुशल बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें देखिए, 4 घंटे तक नदी में रेस्क्यू टीम फंसी रही, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नाव पलट गई और उसी दौरान ये हादसा हो गया। कर्मचारियों ने पेड़ से लटक कर अपनी जान बचाई और 4 घंटे तक नदी में ये रेस्क्यू की टीम फंसी रही, सदस्य फंसे रहे, और उस दौरान इन्होंने अपनी जान बचाई।